परफेक्ट बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को दोनों एसिडिक और अल्कलाइन खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जहाँ एक ओर हमारे शरीर को एसिडिक होने की जरूरत है सही डाइजेशन के लिए, वहीं हमारे ब्लड को अल्कलाइन होना आवश्यक होता है ताकि हमारे हार्ट की हेल्थ, हमारे दिल की हेल्थ सही रहे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और इस वीडियो में जान लेते हैं शरीर में एसिड को कम करने वाले कुछ अल्कलाइन फूड्स के बारे में। आजकल का हमारा खान पान ऐसा हो चुका है कि हम एसिडिक फूड्स को ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो इन अल्कलाइन फूड्स को लेने से आप अपने शरीर में इन दोनों का बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। तो सबसे पहले है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैग्नीशियम के साथ साथ फॉलेट में समृद्ध होता है, जो हमारे पाचन तंत्र और इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यही नहीं, पत्ता गोभी फाइबर का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो हमारे शरीर को सेलुलर लेवल पर क्षारीय बनाने में मदद करता है। पत्ता गोभी का सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को दूर रखने में सहायता मिलती है, साथ ही यह वजन घटाने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। फ्रेंड्स, दूसरा है बादाम। बादाम बड़ी आसानी से उपलब्ध ड्राई फ्रूट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ जरूरी पोषक तत्वों के साथ साथ ये आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। बादाम का सेवन करना केवल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि यह आपके बालों, स्किन और ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। यही नहीं, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए बहुत सहायक है। साथ ही बादाम का सेवन करने से वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नींबू। नींबू स्वाद में एसिडिक होते हैं, लेकिन वास्तव में यह नेचुरली क्षारीय होते हैं। यह कुछ ऐसे खट्टे फलों में से एक हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नींबू का रस जब मेटाबोलाइज हो जाता है तो बेसिक हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, इसलिए नींबू भी आपका पीएच लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाने के साथ साथ हमारे शरीर को अंदर से साफ करने में बहुत मदद करते हैं। रोजाना एक गिलास गर्म पानी में ताजा नींबू का रस मिलाकर पीने से आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट बाहर निकल जाएगा। जल्दी और हेल्दी तरीके से वजन कम करने का ये बहुत ही असरदार तरीका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तुलसी। यह तो हम सब जानते हैं कि तुलसी को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। खासकर हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा जरूर मिल जाता है। तुलसी विटामिन सी, विटामिन के साथ साथ कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी एक अच्छा स्रोत है। तुलसी हमारे शरीर से प्राकृतिक रूप से एसिड को कम करने में मदद करती है। यही नहीं, तुलसी का सेवन करने से किडनी स्टोन होने की संभावना भी कम हो जाती है। सुनिश्चित करें कि किसी ना किसी रूप में आप तुलसी का सेवन जरूर कर रही हैं। आप चाहें तो तुलसी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। अगर कुछ ना कर पाए तो कम से कम रोज तुलसी का पत्ता मुंह में जरूर डालें, लेकिन इसे चबाए नहीं, चूसते चूसते ही निकल लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है खीरा। खीरा जहाँ एक और हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर शरीर से टॉक्सिंस और जमा हुआ एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे शरीर में संतुलित एसिड लेवल्स मेंटेन होते हैं। शरीर में अत्यधिक यूरिक एसिड की वजह से परेशानियों को कम करने में भी उपयोगी होता है खीरे का जूस, तो इसको भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ग्रेपफ्रूट यानी कि चकोतरा। ग्रेपफ्रूट एक खट्टा फल होता है, और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह अच्छी सेहत का एक पावर हाउस है। कई लोगों को लगता है कि ग्रेपफ्रूट एसिडिक होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। नेचुरली ग्रेपफ्रूट अल्कलाइन होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। इसका सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। यही नहीं, ग्रेपफ्रूट हमारे शरीर में अल्कलाइन लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ शरीर में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा नहीं होने देता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है खरबूजा। खरबूजा हम सभी को खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। यह मीठा होने के साथ साथ एक हेल्दी फ्रूट है। यह विटामिन बी, बीटा कैरोटीन और फाइटोकेमिकल्स का एक रिच सोर्स है।
खरबूजे प्राकृतिक रूप से अल्केलाइन होते हैं। यदि आप खरबूजे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर का पीएच लेवल संतुलित करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में एकत्रित टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत उपयोगी होते हैं, जिसके चलते गंभीर बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। फिर शिमला मिर्च में मौजूद एंजाइम्स बॉडी की क्रिया को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं। शिमला मिर्च सबसे ज्यादा क्षारीय आहार में शामिल है। लहसुन, यह एक चमत्कारी आहार है। जब बात क्षारीय आहार की होती है तो लहसुन का नाम सबसे ऊपर आता है। पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियों में साग, पालक, सोया, मेथी, मूली, पत्तों वाली प्याज आदि सब्जियां शामिल हैं। इनमें से पालक सबसे ज्यादा सेहतमंद सब्जी होती है। हरी सब्जियों के सेवन से ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन रहता है। इन सब्जियों में विटामिन के और फॉलेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। पालक में विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये पोषक तत्व सेहतमंद और ऊर्जावान बनाए रखते हैं आपको। इसमें फाइबर भी होता है जो आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। पालक का सेवन आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। फिर जड़ वाली सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। शकरकंद, कमल की जड़, चुकंदर और गाजर जैसी जड़ वाली सब्जियां क्षारीय आहार के काफी अच्छे सोर्स हैं। फ्रेंड्स, नट्स का नियमित रूप से सेवन करना आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। ये अच्छे फैट के सोर्स के अलावा शरीर में क्षारीय प्रभाव भी पैदा करते हैं। हालांकि ये हाई कैलोरी होते हैं, इसलिए नट्स का सेवन सीमित मात्रा में होना चाहिए। आपको अपने रोजाना के भोजन में काजू और बादाम को शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ फ्रूट भी होते हैं जो अल्केलाइन होते हैं, आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि पपीता, सेब, एवोकाडो, कीवी, केले, तरबूज, मीठे आलू आदि। तो आई होप आपके लिए ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।